एसीएन न्यूज की खास पेशकश एक मुलाकात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस बार हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शशांक अग्रवाल। जी हाँ, ये चर्म रोग विशेषज्ञ हैं और स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हम डॉक्टर शशांक से जानना चाहेंगे कि चर्म मतलब त्वचा से जुड़ी कितनी समस्याएं हैं, बीमारियां हैं और उनके उपचार क्या क्या हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया मुझे बुलाने के इस प्रोग्राम पर। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जैसे सफेद दाग को लेकर लोगों में भ्रांतियां हैं, लोग उसको कभी कुष्ठ या कोई नाम दे देते हैं सफेद दाग से डरकर, इसके कारण क्या होते हैं और इसके उपचार क्या है? देखिए, सफेद दाग के बहुत सारे कारण होते हैं, तो सबसे पहले आपने को कारण पता करना जरूरी होता है, उसके हिसाब से वो उपचार कर सकते हैं। और जरूरी चीज ये है कि सफेद दाग जब आए तो आप एक साल के अंदर इलाज चालू करें, क्योंकि जितना आप देर करेंगे उतना ही उसका इलाज कठिन होता जाता है और आपको उसके लिए लंबे समय तक इलाज देना पड़ता है। ये अपन कुछ कारणों में टीको जो बीमारी होती है सफेद दाग की वो होती है, वो उसका इलाज संभव है, उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप आके दिखाएं, यहाँ पे हम ट्रीटमेंट देते हैं। और सफेद दाग, ऐसा बड़े बुजुर्ग बोला करते हैं कि मछली और दूध खा लिया था इसलिए हुआ होगा। कैसे? ये सब सारी भ्रांतियाँ हैं, मछली और दूध खाने से कभी भी सफेद दाग नहीं आता है, ये सब गलत चीज है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। सनस्क्रीन क्या होते हैं और इनको लगाने से क्या फायदा होता है और नहीं लगाने से क्या नुकसान है? देखिए, सनस्क्रीन ऐसा है कि आप अगर धूप में जाते हैं तो आपको चेहरे में लालपन की तकलीफ आती है या दाने आते हैं या कालापन आता है, तो आपको सनस्क्रीन लगाने की जरूरत पड़ती है। और उसको लगाने का भी सही तरीका होता है, आप अगर उसको एक बार लगा के छोड़ देते हैं तो उससे कुछ भी ठीक नहीं होगा। आपको कम से कम 2 से 3 बार उसको पूरे चेहरे पे अच्छे से फैला के लगाना है। साथ ही साथ सनस्क्रीन में अपन देखते हैं कोई बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसको अपन मार्केट से लगा लेते हैं, लेकिन सभी चीज़ें आपको प्रोटेक्शन नहीं देंगी, उसके लिए कुछ देखना पड़ता है। एक होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जो मिनिमम 20 होना चाहिए तभी वो आपको स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये सब चीज़ें हम देख के ही सनस्क्रीन यूज़ करें तो फायदा है। युवावस्था में प्रौढ़ावस्था जो होती है उसमें अक्सर पिंपल होता देखा जाता है, पिंपल क्या होते हैं और इनके होने के क्या कारण? देखिए, पिंपल्स कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल अवस्था है जो उम्र के साथ आती है, जो टीनेजर्स में मिलती है, जैसे कि 15 से 30 साल के लोगों में। ये चेहरे के साथ साथ पीठ में भी आती है, तो इसका इलाज अपन दवाइयों से, लगाने की दवाइयाँ और खाने की दवाइयों से करते हैं, उससे काफ़ी अच्छा आराम पड़ता है। साथ ही साथ कुछ कुछ छोटी छोटी सावधानियाँ हैं वो करनी पड़ती है, जैसे खाने पीने की चीज़ें जिसमें ग्लूकोज ज़्यादा होता है, जैसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जैसे चावल, वो कम करना पड़ता है, और अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि बॉडी में एंटी ऑक्सीडेंट बने, तो वो अपने को हेल्प करे। ये सब चीज़ें करने से काफ़ी आराम पड़ता है। अभी वर्तमान में हमारा देश, पूरी दुनिया एक वैश्विक महामारी की मार झेला है और कोविड के बाद में जैसे बालों की झड़ने की या बालों की त्वचा में हल्का रैशेज होने की समस्याएं आम हो गई हैं, क्या कारण हो सकते हैं, उसके उपाय क्या हैं बचने? देखिए, जो कोविड की बीमारी होती है उसके दौरान अपने शरीर में स्ट्रेस कर देता है, इसके 2 से 3 महीने बाद बाल गिरने की समस्या दिखने मिलती है। ये सिर्फ कोविड के बाद नहीं, किसी भी बीमारी या किसी भी स्ट्रेस के बाद दिख सकता है, बट अपने को जानकारी ये होनी चाहिए कि ये एक टेम्प्रेरी तकलीफ है। जैसे 2 से 3 महीने बाद आती है कोविड के, और कुछ 3 से 4 महीने में ठीक भी हो जाती है। जिनका तकलीफ ठीक नहीं होता बाल गिरने का, उनको जरूर इलाज की जरूरत पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पैनिक मतलब आप परेशान मत होइए, कुछ समय इंतजार कर लीजिए, अगर ठीक नहीं होता तो बिल्कुल आके दिखाइए, हम उसका इलाज करेंगे। अक्सर त्वचा में एक गोल चिपटा उस पे बिंदी आना, उस पे दाग का नाम दिया जाता है, दाग क्या होता है और ये किन कारणों से और उसके उपचार क्या है? देखिए, दाग अपन सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको, हम डर्मेटोफाइटोक्सिस या टीनिया क्यूरिस फॉर्मिस बोलते हैं। ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है चमड़ी का, जो कि मोस्टली आपको अंदर के भागों में होता है। तो इसका जो इलाज होता है, आप रेगुलर कोर्स होता है जो 1 महीने से 1.5 महीने करना पड़ता है। अगर इसमें अगर 1 दिन का गैप करते हैं तो वो वापस आती है और आपको ये तकलीफ लंबे समय तक रहती है, क्योंकि हम बाज़ार से कुछ भी ट्यूब यूज़ करते हैं बट आधा ठीक होता है वो फिर दोबारा आता है। और कुछ कुछ ट्यूब जो बाज़ार से यूज़ करते हैं उसमें ऐसा होता है कि स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स तो आप जान ही रहे होंगे काफ़ी साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके, जिससे फंगल इन्फेक्शन कम होने के लिए बढ़ जाता है और स्किन में साइड इफेक्ट होते हैं। तो आप
जरूरी ये है कि आप दाग के लिए सही उपचार लीजिए और सही समय तक उपचार लीजिए जब तक पूरा ठीक नहीं। अभी हमने बात कोविड की थी, कोविड के बाद बालों के झड़ने का आपने बताया था और कोविड में मास्क की भूमिका रही। मास्क लगाने के बाद कई लोगों में देखा गया कि उनके इन हिस्सों में बीचिंग या फिर हल्के दाने, तो मास्क की भूमिका तो कोविड में महत्वता है रखी है। उसके बाद जो लगाने के बाद उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय अपनाना चाहिए? कि मास्क अपन पहनते हैं तो उससे कई बार समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे कि दाने आ सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, तो ये सब लंबे समय तक यूज करने से होता है। देखिए अब इसके लिए अपन अवॉइड तो नहीं कर सकते, मास्क पहनना पड़ेगा। लेकिन मास्क को पहनने का तरीका होता है, बहुत टाइट नहीं पहनना है मास्क को। आप अगर घर पर अकेले बैठे हैं तो मत पहनिए मास्क, और बाहर जा रहे हैं तभी यूज करिए मास्क। साथ ही साथ अगर कोई तकलीफ होती है तो उसके लिए भी उपचार होते हैं, ठीक है। एलर्जी की तकलीफ होती है तो एलर्जी की दवाइयों से उसको कम किया जा सकता है। साथ ही आप डिस्पोजेबल मास्क यूज़ करें तो उससे कम तकलीफ होती है। कई बार अपन कपड़े के मास्क यूज़ करते हैं, बार बार उसी को यूज़ करते हैं तो उससे एलर्जी की समस्या ज़्यादा होती है। तो सब चीज़ें सावधानी कर रहे हैं, उसको कम करूँगा। झुर्रियाँ त्वचा में, चेहरे पर झुर्रियाँ या फिर कई ऐसा हाथों में झुर्रियाँ पड़ने का एक युवावस्था में पड़ते देखा जा सकता है। हालांकि झुर्रियाँ होने की एज होती है, बुढ़ापा आने के बाद झुर्रियाँ देखने का लोगों में वो है, लेकिन आजकल युवाओं में भी अक्सर झुर्री देखने को मिलती है, क्या कारण हो सकते हैं? देखिए आजकल जो लाइफ स्टाइल चल रही है उससे क्या होता है, हमारे बॉडी में जो एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं वो कम होते हैं, जिससे कि एजिंग जल्दी होती है। एजिंग आने की उम्र जो बढ़ता है जिससे चमड़ी के साथ शरीर में भी तब्दील आती है, वो जल्दी होने लगती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो लाइफस्टाइल चेंजेस करनी पड़ती है, खाना पीने का व्यवस्था अच्छा करना पड़ता है, साथ ही साथ अगर उसके बाद भी ठीक होता तो फिर दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। बट ये है कि एजिंग जो है बहुत जल्दी नहीं होता, बहुत समय लगता है। तो युवाओं में कुछ ही युवाओं में समस्या दिखने लगी है, वो भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में या वहाँ के लोगों में अक्सर देखा जाता है कि उनके चेहरे या बॉडी पर सफेद सफेद पैसे फूल सिक्के नुमा निशान होते हैं और उनमें ये भ्रांतियाँ होती है कि धूप में रखे पानी से नहा लिया था इसलिए ऐसा होता है, कैसे है? ये बिल्कुल ही गलत है, ये पानी से धूप में रखे पानी से नहा बिल्कुल नहीं होता है। ये सफेद दाग के और गोल कलर के होते हैं, उसको बिजली को बोलते हैं, जिसका इलाज संभव है और वो आप ट्रीटमेंट खाने की और पैरों में मिलती है क्योंकि हम उसको ज्यादा यूज करते हैं, और ये औरतों में थोड़ा ज्यादा रहता है क्योंकि ये हम देखते हैं जो डिटर्जेंट्स होते हैं और जो कॉमन जो घर के सामान होते हैं उनसे ज्यादा होता है। तो ये चीजें होती है एक्जिमा जो कराती है, इसका भी इलाज संभव है। आप दवाइयों से इलाज कर सकते हैं, साथ ही आपको सावधानी बरतनी पड़ती है। कुछ कुछ जैसे हाथ की एलर्जी हुई, एक्जिमा हुआ तो ग्लव्स पहन के काम करें, ये सब चीज़ें करके उनको कम किया जाए। जैसे हाथों में एक पतला सा चमड़ा नुमा निकलता है जिसको अप्रस का नाम देते हैं, उसके क्या कारण होते हैं? ज़्यादातर आजकल देखा जा रहा है अप्रस है तो पानी पे हाथ भी डालती हैं कई लड़कियों को मैंने से। देखिए जो आप बोल रहे हैं चमड़ी जो हाथ की जो निकलती है इसमें पेपर होता है, तो वो बहुत सारे कारणों से होता है, उसमें ऐसा कुछ तकलीफ की बात नहीं है, पानी से नहीं होता, ठीक है, उसकी इलाज भी संभव है और ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं है उसमें, ठीक है। आप स्पर्श मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वर्तमान में त्वचा से संबंधित किस तरह के रोग सामने आ रहे हैं? देखिए वर्तमान में अभी हमें बहुत सारे प्रकार के रोग मिलते हैं, दांत हाथ खुजली की तकलीफ होती है, मुहासे की तकलीफ होती है, काले दाग होते हैं चेहरे पर उसकी तकलीफ होती है, सफेद दाग की तकलीफ की जाती है, साथ ही साथ छोटी छोटी बीमारियाँ होती है जो चमड़ी की होती है जिसे हम हर्पीस ज़ोस्टर नाम कहते हैं, कुछ सोरियासिस कहते हैं, वो सब दिखने को मिलती है। साथ ही साथ नाखून की तकलीफें और बालों की तकलीफें, बाल गिरने की तकलीफ, वो सब भी आती है हमारे पास, उसका हम इलाज। स्पर्श हॉस्पिटल अपनी बेहतर चिकित्सकीय सुविधा और उपचार के लिए काफ़ी विख्यात है, और वर्तमान में और पेशेंटों के लिए, मरीजों के लिए क्या क्या और सेवाएं और उपलब्ध कराएगा, जो जैसे चिकित्सकीय सुविधाओं के अलावा भी और भी हॉस्पिटल में सुविधाएं हैं वो किस तरह मिल पाएगी? देखिए अभी आगे जाके मेरा
कोशिश तो यही रहेगा कि जो कुछ समस्या है वो बाहर जानी पड़ती है, कुछ लोगों को बाहर जाके रायपुर या दिल्ली जाना पड़ता है, उसके लिए इलाज हम यहीं पे प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि जो वो लेज़र के थ्रू ट्रीटमेंट्स होते हैं बहुत सारे, जैसे चेहरे पे बाल आना होता है महिलाओं में, उसको लेज़र के थ्रू कम किया जा सकता है। और भी तकलीफें जो होती हैं जो लेज़र के थ्रू ठीक हो सकती है, तो मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में हम यहाँ प्रोवाइड कर सकें। सर, युवाओं में आजकल गंजापन देखा जा रहा है, उनसे भावना और उत्पन्न हो रही है, गंजेपन का क्या कारण है? गंजेपन का बहुत सारे कारण होते हैं। जो युवाओं में गंजापन होता है उसको हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं, जो कि जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं, अनुवांशिक बोलते हैं, कुछ कारण हॉर्मोन्स के भी होते हैं। और जो युवा होते हैं उनमें हॉर्मोन्स उस समय बढ़ता है, जो एंड्रोजन हार्मोन होता है वो बालों को थोड़ा गिराता है, जो सिर के सामने के बाल होते हैं उनमें ज़्यादा फर्क पड़ता है। साथ ही साथ कुछ अभी लाइफ स्टाइल चेंजेस जैसे स्ट्रेस होता है, इससे भी बाल काफ़ी गिरते हैं। तो ये सब कारण होते हैं जिनसे बाल गिरने की समस्या आती है। और इसके उपचार भी काफ़ी सारे हैं, जिनका कम है अगर तकलीफ तो हम उनको खाने की दवाई और लगाने की दवाई से कम कर सकते हैं और बाल आते हैं। लेकिन जिनका ज़्यादा है उनको हम अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं वो करने पड़ते हैं, जैसे इंजेक्शन लगा के वहाँ पर बाल लाया जा सकता है या तो बाल प्रत्यारोपण किया जा सकता है। आप अपने कृत्रिम थेरेपी नहीं बोल सकते, हम आपके खुद के जो बाल होते हैं जो पीछे तरफ होते हैं सिर के, उनको सामने तरफ लगाते हैं, उनको प्रत्यारोपण करते हैं, तो उसके थ्रू बाल को लगाया जा सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के दर्शकों को चर्म से अपने त्वचा को किस तरह वो सुरक्षित रखें और खूबसूरत दिखें आप? देखिए, स्किन को बहुत इग्नोर करते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम चेहरे का ध्यान रखें। अपन कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि आप कम से कम यूज़ करें कॉस्मेटिक चीज़ें। अगर मेकअप यूज़ करते हैं तो रात को मेकअप निकाल के सोएं, और कोई भी केमिकल या कोई भी कॉस्मेटिक यूज़ करने से पहले किसी भी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या कोई दिखाएं, ताकि आपको आगे जाकर कोई समस्या ना हो जाए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कोई भी तकलीफ हो एक बार जरूर दिखाएं। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आए, हमें त्वचा संबंधी बीमारियों के बारे में बताया, उसके उपचार के बारे में बताया। तो ये थे डॉक्टर शशांक अग्रवाल, चर्म रोग विशेषज्ञ, स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने हमें बताया त्वचा संबंधित बीमारियां, उसके उपचार के बारे में। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए डॉक्टर के साथ, एक नए रोग के साथ, एक नए समाधान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।